हेलो फर्स्ट क्लास, कंप्यूटर में हम बच्चों चैप्टर 3 कर रहे थे। हमारे चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अभी तक बच्चों हमने पढ़ा था मॉनिटर के बारे में, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर कितनी तरह के होते हैं, CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर, CPU, और फिर हमने ये एक्टिविटी भी करी थी सभी बच्चों, मैंने आपको कहा था बुक में करने के लिए। उसके बाद हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा, माउस के बारे में पढ़ा, और आज हम इससे आगे का काम करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या काम है। तो बच्चों आज इस चैप्टर में सबसे पहले एक्टिविटी टाइम है, रीअरेंज द जंबल लेटर्स एंड मेक वर्ड्स, यानी कि ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ये सही सीक्वेंस में नहीं है, ये हमें गलत तरह से लिख के दिए गए हैं, हमें इन्हें सही करके लिखना है और एक सही वर्ड बनाना है। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, KYAOEBDR। तो अब हमें समझना है कि इन शब्द लेटर से कौन सा वर्ड बन सकता है। तो देखो मुझे तो समझ में आ रहा है, हम इनसे हम एक एक वर्ड लें, के बाद हम ई ले लें, KE, फिर हम Y ले लें, YBOAR D। तो क्या बन गया बच्चों, कीबोर्ड। अब हमारा दूसरा है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, MEOSO। तो देखते हैं इससे क्या बन सकता है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है MOUSE, क्या बना, माउस। थर्ड वाला देखते हैं UCP, तो इससे क्या बन सकता है, क्या UPS बनेगा, लेकिन इसमें S तो है नहीं। तो दूसरा क्या हो सकता है, CPU, ये भी हमारे कंप्यूटर में होता है। तो और अब देखते हैं फोर्थ वाला, MTNOIOR। तो हम सोचते हैं कि इन लेटर्स से मिलके कौन सा वर्ड बन सकता है। तो हमने जो इसमें पढ़ा भी हो अपनी बुक में और कंप्यूटर में भी वो चीज हो, तो देखते हैं एक एक वर्ड लेके, MONITOR, क्या बना, मॉनिटर। हमने इन्हीं में से सारे लेटर्स लिए हैं और यहाँ से हमारा मॉनिटर बन गया। तो सभी बच्चों को समझ में आया ना मैंने कैसे इन वर्ड्स को ठीक किया और एक सही वर्ड बन गया। एक बार ध्यान से देखेंगे, पहला हमारा बना कीबोर्ड, सेकंड हमारा बना माउस, थर्ड हमारा बना है CPU, और फोर्थ मॉनिटर। चलिए बच्चों अब आगे पढ़ते हैं। अब अभी हमारा थोड़ा सा रह गया था लेसन में, जो है प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर। तो देखिए पिक्चर देखिए प्रिंटर की क्या होती है, और प्रिंटर में से बच्चों जो भी कुछ हम कंप्यूटर में अपने लिखते हैं और हमें वो पेपर पे चाहिए कि भाई हमें कहीं लगाना है, किसी को दिखाना है, तो हम उसे पेपर पे निकाल लेते हैं। तो जो भी हमारा कंप्यूटर में किया हुआ काम हम पेपर पे निकालते हैं उसे हम प्रिंट आउट कहते हैं, और प्रिंट आउट जिससे निकलता है वो हमारा प्रिंटर होता है। प्रिंट आउट हम प्रिंटर की हेल्प से ही निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास प्रिंटर नहीं होगा तो हम प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। तो चलिए पढ़ते हैं, इसमें भी यही बताया गया है, प्रिंटर इज यूज्ड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ योर वर्क ऑन पेपर, कि प्रिंटर का यूज प्रिंट आउट निकालने के लिए किया जाता है ऑफ योर वर्क ऑन पेपर, आपके काम को पेपर पे निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो अभी मैंने आपको यही बताया था कि जो भी काम हम कंप्यूटर में करेंगे और हमें वो पेपर पे चाहिए तो हम प्रिंटर की हेल्प से उसे पेपर पे निकाल लेंगे। नेक्स्ट, यू कैन प्रिंट वर्ड्स
पिक्चर्स एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर, यानी कि आप प्रिंट कर सकते हैं कोई भी वर्ड, कोई भी पिक्चर और भी बहुत सी चीजें विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर की मदद से। आप प्रिंटर की मदद से कोई भी वर्ड या कोई पिक्चर प्रिंट कर सकते हैं, पेपर पे प्रिंट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पर बच्चों हमारे लेसन की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चे यहाँ तक चैप्टर को रीड करेंगे और जो मैंने एक्टिविटी में आपको ये जंबल वर्ड्स कराए हैं इनको भी अपनी बुक में फिल कर कंप्लीट कर लेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में आगे का चैप्टर करेंगे, इसी चैप्टर की हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय।